राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य दर्शन मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर में बनने वाले भव्य प्रवेश द्वार के सबसे नए निर्माण कार्यों के साथ ही दर्शन कार्यों में होने वाली अन्य सुविधाओं के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। सामने दृष्टिगत सबसे नवीनतम परिदृश्य प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य दर्शन मार्ग के आरंभिक विशालतम प्रांगण का है और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने से पूर्व बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने जूते चप्पल काउंटर पर जमा कर रहे हैं और यह सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क है। वीडियो बनाते वक्त मुझे इस बात का काफ़ी अधिक दुख पहुंचा कि परिसर में मौजूद कई वृद्धजनों ने प्रवेश मार्ग पर ही अपने जूते चप्पल उतार दिए थे और उन्हें इस बात की सूचना ही नहीं थी कि यहां पर जूते चप्पल जमा करने की सुविधा पूर्णतया निःशुल्क है। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने जूते चप्पल काउंटर पर ही जमा कराएँ, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है कि यदि आप परिसर के बाहर ही अपने जूते चप्पल कहीं कोने में लगा देते हैं तो आपको प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य में कोई भी गैप नहीं है, अतः आपको पूरा घूम करके प्रवेश मार्ग से ही अपने जूते चप्पल लेने होंगे और इसमें आपको ही काफ़ी अधिक दिक्कत होगी। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, अतः आप यहाँ पर अपने काउंटर पर सामान जमा करके अपने जूते चप्पल भी पूर्णतया निःशुल्क जमा करा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम के सेवा भाव एवं मूल्यों की झलक इस परिसर में आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर सारी सुविधाएं पूर्णतया निःशुल्क हैं, जिसमें निःशुल्क ठंडे पेयजल के साथ यहां पर विश्राम करने की सुविधा और चाहे यहां पर कैनोपी शेड की व्यवस्था हो और यहाँ पर जो काउंटर इतने वृहद स्तर पर बनाए गए हैं वे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्मित किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर दो बड़े वेटिंग हॉल भी हैं, जहाँ पर आप रामलला का दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर परिसर में आराम भी कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पथ परिसर के भव्यतम प्रवेश द्वार के निर्माण कार्यों का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है और आप यहाँ देख सकते हैं कि परिसर में निर्माण कार्यों को त्वरित गति से किया जा रहा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शटरिंग की गई है और शटरिंग के द्वारा यहाँ पर शिखर को बनाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। और यह समय लंच का है, अतः यहाँ पर सभी श्रमिक अपना भोजन करने परिसर के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परिसर में दर्शन कार्य के साथ साथ निर्माण कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं और वर्तमान में इसके निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से पिलर्स के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं और अब शिखर बनाने के लिए तेज़ी से काम चल रहा है। अब मैं आपको प्रवेश द्वारों के ठीक पीछे ऐसे निर्माण कार्यों को दिखाने जा रहा हूं जो कि आपने अब तक बिल्कुल नहीं देखे होंगे और यह निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि परिसर में बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर शटरिंग की गई है और शटरिंग कार्यों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने युद्ध गति से कार्य चल रहा है। और साथ ही परिसर में कई नक्काशीदार पत्थर मौजूद हैं और आप यहाँ छत पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टील से पूरी तरीके से यहाँ पर छत को निर्मित किया गया है और यहाँ पर मजबूती के साथ साथ गुणवत्ता को भी काफ़ी अधिक महत्व दिया गया है। और परिसर में मौजूद सभी पिंग स्टोन जो कि नक्काशीदार पत्थर हैं वे सभी इसी परिसर में पिलर्स पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह प्रवेश द्वारों के ठीक पीछे का परिक्षेत्र है और यहाँ पर कितने वृहद स्तर पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। और यह प्रवेश द्वार के ठीक पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर शटरिंग की गई है। निकास द्वार के पिछले हिस्से को यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर पिलर निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और इसके शीर्ष को बनाने का काम अब तेज़ी से किया जा रहा है। निकास द्वार के निर्माण कार्यों की नवीनतम कार्य प्रगति की बात करें
तो इसका 60% निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है और आप यहां देख सकते हैं कि परिसर में दीवारों पर पत्थरों को चिपकाने के लिए यहां पर पिंक स्टोन का वृहद स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पत्थर काफ़ी अधिक नक्काशीदार और नागर शैली से युक्त हैं और इन सभी डिज़ाइनदार पत्थरों को यहाँ की दीवारों पर बड़े ही सुंदर ढंग से लगाया जाएगा। यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि प्रांगण में बड़े पैमाने पर पत्थरों की खेप मौजूद है और इनको क्रेनों के माध्यम से दीवारों के साथ साथ पिलर्स पर लगाए जाएंगे और यहाँ पर जो निर्माण प्रक्रिया है वह पिछले लगभग 6 महीनों से दिन रात की अवधि में चल रही है और उम्मीद है कि 3 से 4 महीनों में इसके भव्य निकास द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कि निकास द्वार के ठीक पीछे एक भव्य गैलरी बनाई जा रही है और इसमें प्रवेश एवं निकास के अलग अलग मार्ग होंगे और साथ ही इससे सटे हुए लॉकर रूम भी निर्मित किए जाएंगे। निकास द्वार से सटे हुए भवन को 3 मंजिला बनाया जा रहा है जिसमें ट्रस्ट के ऑफिस के साथ साथ कर्मचारियों के रुकने की व्यवस्था, साथ ही यहाँ पर मंदिर कार्यों से जुड़े हुए लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी। अभी इसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी और इनके निर्माण कार्यों का क्या क्या उद्देश्य है, वह आपको जल्द ही मैं अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही यह स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य दर्शन मार्ग पर बन रहे भव्य निकास द्वार के निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। और मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि परिसर के दो निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और इनको अलग से बैरिकेड किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और आप यहां सामने देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर शिखर निर्माण कार्यों के लिए यहां पर मोल्ड किए हुए पत्थर लाए गए हैं जो कि बंसी पहाड़पुर एवं धौलपुर से मंगाए गए हैं। यहाँ पर कई डिज़ाइनदार आपको मोल्डिंग दिख रहे होंगे लेकिन यह पूर्णतया पिंक स्टोन पर आधारित नहीं हैं बल्कि इनको FRP तकनीक के आधार पर निर्मित किया गया है, क्योंकि सामान्य तौर पर पिंक स्टोन को यदि आप मोड़ते हैं तो वे अक्षरशः टूट जाते हैं, लेकिन FRP तकनीक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और डिज़ाइन के आधार पर यहां सांचे बनाए जाते हैं। FRP तकनीक पूर्णतया फाइबर बेस्ड होती है और इसे फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक भी कहते हैं और ये फाइबर काफ़ी अधिक मजबूत और काफ़ी अधिक स्टेबल होते हैं और यदि आप जिस स्थान पर इसको लगा देते हैं तो ये कई वर्षों तक एक ही रूप में बने रहते हैं और साथ ही इनका नमी एवं वर्षा आदि का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं एवं इनको तैयार स्थानों पर लगाना भी काफ़ी अधिक आसान होता है। और इसका इस्तेमाल करने का जो सीधा उद्देश्य है, इससे समय की बचत के साथ साथ निर्माण को भी गति मिलती है, क्योंकि यदि आमतौर पर यदि कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और यदि उस पर नक्काशी एवं तराशी की जाए तो उसमें कई वर्षों का समय लग जाएगा, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर पहले से तैयार पत्थरों से यहाँ पर पहले से ही सांचा निर्मित कर लिया जाता है और उसी सांचे में इस FRP एवं नक्काशीदार पत्थरों को यहाँ पर फिट कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में यह संपूर्ण परिसर जल्द से जल्द तैयार हो जाता है। यानी तकनीक को अपनाने का जो सीधा उद्देश्य है वह समय की बचत के साथ साथ कार्य की गुणवत्ता भी है और यहाँ पर मनचाहे सांचे में यहाँ पर बेहतरीन डिज़ाइन भी निर्मित की जाती है और डिज़ाइन नागर शैली के अनुरूप ही निर्मित की गई है और संपूर्ण परिसर को रामायण थीम यानी रामायण कथानक के आधार पर संपूर्ण परिसर को निर्मित किया जाएगा और यहाँ की दीवारों पर रामायण प्रसंगों के बहुत ही सुंदर कथानक देखने को मिलेंगे एवं प्रभु श्री राम से जुड़े हुई जो भी स्मृतियाँ हैं उनको भी परिसर में सजाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। परिसर के बाहर
डीलक्स शौचालय की व्यवस्था का भी स्थायी तौर पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी परिसर के बाहर अस्थायी तौर पर शौचालय मौजूद हैं, लेकिन वहां की सफाई व्यवस्था भी अब ठीक ठाक बताई जा रही है। दोस्तों, प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य दर्शन मार्ग के विशाल प्रांगण में बन रहे भव्य निकास द्वार के अद्भुत निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।